रतोड़ों में गटरों का गंदा पानी सड़कों पर निकल आया, सफाई करने वाला अमला गायब, आवाम को सख्त मुश्किल का सामना। 500 से ज़्यादा म्यूनसिपल मुलाजिम होने के बावजूद सफाई का नाकस इंतजाम, अफसरान के आशीर्वाद से कसीर तादाद मुलाजिमों की वीज़ा पर होने का इंकशाफ। शहरियों के जानब से हल्के के मुंतखब नुमाइंदों से म्यूनसिपल कमेटी की नाली पर नोटिस लेने का मुतालबा। रतोड़ों म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की कारकर्दगी के पोल खुल गए। 500 मुलाजिमों के बावजूद शहर कचरा कुंडी में तब्दील, सफाई ना होने के बायस नाले ओवरफ्लो होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी सड़कों और मेन बाज़ारों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। गंदगी की वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उस हवाले से शहर के समाजी रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि म्यूनसिपल इंतजामिया मुकम्मल नाहल हो चुकी है, अफसरान के आशीर्वाद से वाइट कॉलर मुलाजिम घर बैठे तनख्वाह उठा रहे हैं, सफाई ना होने की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज का गंदा पानी सड़कों बाज़ारों में तालाब का मंजर पेश करने लगा है, गंदगी के बायस मच्छर और ख़तरनाक अमराज जन्म ले रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत और हल्के के मुंतखब नुमाइंदे म्यूनसिपल कमेटी की नाली का नोटिस लेकर सफाई का मसला हल करवाएँ, दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन खादिम हुसैन जलवानी के साथ मुजफ्फर अली बोदार, HNN न्यूज़, रतोड़ों।